Niptia Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. आज का जो सब्जेक्ट है वो है आरटीसी सेक्शन। आरटीसी सेक्शन को समझने से पहले आपको तीन चीज समझना जरूरी है, वो है सीमोस सेल, और तीसरा है बायोस। ये तीनों का वर्किंग आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे सीमोस के बारे में कि सीमोस क्या है। सीमोस का पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। यह मदरबोर्ड में लगा हुआ एक चिप है, इसलिए हम लोग इसको सीमोस चिप भी कहते हैं या सीमोस चिप के नाम से भी जाना जाता है। सीमोस चिप के अंदर कंप्यूटर पार्ट्स का पूरा इंफॉर्मेशन और सेटिंग स्टोर रहती है। कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम बूट करते हैं तो सीमोस के मदद से बायोस फर्मवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को चेक करने के बाद ऑन होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि सीमोस के मदद से बायोस फर्मवेयर सारे कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स उससे कनेक्टेड होते हैं उसको चेक करता है, उसके बाद बूट करता है। ठीक है, सीमोस तो ऑन होने के बाद पहले सीमोस के मदद से सीमोस में जो भी सेटिंग्स है या जो भी इंफॉर्मेशन है उसके मदद से बायोस फर्मवेयर कंप्यूटर के पार्ट्स या कंप्यूटर के से जितने भी लगे हुए डिवाइसेस हैं या कंप्यूटर का जितने भी कंपोनेंट है हार्डवेयर उसको चेक करता है पहले, उसके बाद सिस्टम को बूट करता है। देखेंगे आप कई बार आपको सिस्टम जब आप ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद आता है एरर कि कीबोर्ड नहीं लगा हुआ है, माउस नहीं लगा हुआ है, ठीक है, या किसी भी टाइप का कोई भी और एरर है, बॉक्स ओपन है। वो कैसे आता है कि जब आप सिस्टम को बूट करते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले सारे उसके डिवाइसेस को चेक करता है सीमोस की मदद से, और जब चेक करने के बाद ही वो डिस्प्ले पे आता है या उसके बाद ही बूट होता है। ठीक है, और सीमोस चिप के अंदर डेट, टाइम और जितने भी कंपोनेंट है, जितने भी उसके एडिशनल पार्ट्स है जैसे ग्राफिक्स कार्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, इन सारे का इंफॉर्मेशन सीमोस चिप के अंदर सेव होती है। अब चलते हैं हम लोग सीमोस सेल के ऊपर। तो सीमोस सेल क्या है? देखिए, सीमोस और सीमोस सेल दोनों अलग अलग चीज नहीं है, लेकिन इनका वर्किंग अलग अलग है, इसलिए आपको अलग अलग समझना है। ठीक है, ऐसे कहने के लिए तीनों तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सीमोस, सीमोस सेल और बायोस तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तीनों के में अगर किसी में भी आपस में दिक्कत होगी तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। इसका पूरा नाम ये समझ लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सेल या सेमीकंडक्टर बैटरी। ठीक है, तो सीमोस सेल, अब इसका डेफिनेशन लिखिए, सीमोस सेल कंप्यूटर हार्डवेयर की सेटिंग्स, इंफॉर्मेशन, डेट एंड टाइम को बायोस और सीमोस चिप के अंदर स्टोर रहने के लिए मदद करता है। मतलब ये अपना पावर देता है सीमोस चिप को और बायोस चिप को, सीमोस सेल, जिसके माध्यम से इसके अंदर कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन इसको दिया जाता है, कोई भी सेटिंग इसको दिया जाता है, जिसके वजह से सेव रहती है। जैसे आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी पावर नहीं देते हैं उसमें, तो भी आप देखेंगे कंप्यूटर में कि डेट और टाइम कभी भी उसका खराब नहीं होता, या जो भी सेटिंग्स आप सेव करके रखे हैं वो सेटिंग्स खराब नहीं होती है। वो क्यों नहीं खराब होती है?
क्योंकि भले ही आप एक्सटर्नल पावर निकाल दिए हो, लेकिन मदरबोर्ड को, सिमोस और बायोस चिप को अलग से एक्सटर्नल पावर मिलती रहती है, वो सिमोस सेल का मदद से मिलता है। ठीक है, मतलब बायोस और सिमोस चिप को, बायोस और सिमोस चिप को वर्क करने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है, वही पावर सिमोस बैटरी के द्वारा दिया जाता है, ताकि सिस्टम बोर्ड को हमेशा पावर मिलती रहे, जिससे कि इसके अंदर सेव किया हुआ सेटिंग, सेव किया हुआ इंफॉर्मेशन, टाइम डेट कभी खराब ना हो। कंप्यूटर हार्डवेयर का सेटिंग, इंफॉर्मेशन, टाइम डेट बायोस और सीमोस चिप के अंदर स्टोर किया जाता है। बायोस और सीमोस चिप को वर्क करने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है। बायोस और सीमोस को वर्क करने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है, उसी पावर को सीमोस सेल के माध्यम से दिया जाता है। उसी पावर को सीमोस सेल के माध्यम से दिया जाता है, ताकि सिस्टम बंद होने के बाद भी बायोस और सीमोस में किया गया सेटिंग या दिया गया इंफॉर्मेशन सेव रहे। सीमोस सेल को हम लोग क्वाइन सेल के नाम से भी जानते हैं, कोई सीमोस बैटरी कहते हैं, कोई क्वाइन सेल कहता है। क्लियर। उसके बाद अब तीसरा है आपका, थर्ड है बायोस, का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। बायोस का वर्क समझिए कि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ये लिखिए कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तो कंप्यूटर स्टार्ट होने पर सबसे पहले स्क्रीन पे जो दिखाई देता है, या सबसे पहले डिस्प्ले पे जो दिखाई देता है लिखा हुआ, उसको हम लोग बायोस बोलते हैं। बायोस कंप्यूटर ऑन होने पर रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, ETC, मतलब और भी जो चीज उसमें लगा हुआ है, उसको चेक करता है, और चेक करने के बाद कॉन्फ़िगर करता है। बायोस सिस्टम ऑन होने पर सबसे पहले, या बायोस सिस्टम ऑन होने पर रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क और जो भी इसके अंदर जो भी और भी डिवाइसेस जो भी लगा हुआ है, पहले उसको चेक करता है, और चेक करने के बाद सिस्टम को, मतलब चेक करता है, और चेक करने के बाद उसको कॉन्फ़िगर करता है, और कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको डिस्प्ले आती है या बूट होता है। ठीक है, इसका कह सकते हैं कि बायोस मुख्य रूप से कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराने का, बायोस मुख्य रूप से कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराने का कार्य करता है। बायोस के बारे में इतना समझ लीजिए कि बायोस का जो मुख्य रूप से कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराने का काम करता है। कंप्यूटर ऑन होता है, जब कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं, तो बायोस यूजर के द्वारा की गई सिमो सेटिंग को चेक करता है, उसी से उसको पता चलता है कि किस डिवाइस को बूट करना है। क्योंकि अगर आप सेटिंग लगा हुआ है और आप उसके अंदर 5 हार्ड डिस्क या 2 हार्ड डिस्क, 3 हार्ड डिस्क लगा के रखे हुए हैं, लेकिन आप उसमें ये रख दिए हैं कि मुझे किस हार्ड डिस्क को ऑन कराना है, तो उसके अंदर आप सेटिंग्स करते हैं कि उस हार्ड डिस्क को प्राइमरी बनाते हैं आप। तो जब प्राइमरी बनाते हैं, तो जैसे ही आप ट्रिगर करते हैं मदरबोर्ड को,
तो सबसे पहले क्या करता है कि आप जो भी सेटिंग्स किए हैं बायोस के अंदर, तो बायोस के अंदर जो भी सेटिंग करते हैं वो सिमोस के अंदर जाकर सेटिंग होता है। तो बायोस में बायोस के अंदर सिमोस में जो भी आप सेटिंग्स किए होंगे, तो बायोस क्या करेगा कि सबसे पहले सिमोस की सेटिंग्स को रीड करता है, ठीक है। और रीड करने के बाद किस डिवाइस को बूट कराना है ये समझ के, किस डिवाइस को बूट कराना है ये समझ के ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब इंफॉर्मेशन देता है कि अब आपको बूट करना चाहिए। मतलब आपको दो हार्ड डिस्क लगा हुआ है, एक एक हार्ड डिस्क है, एक एसएसडी लगा हुआ है। आप मान लीजिए एसएसडी में विंडोज रखे हैं या विंडोज दोनों में रखे हैं, लेकिन आपको एसएसडी का विंडो चलाना है, तो बायोस क्या करेगा, सबसे पहले आपके द्वारा किया गया कॉन्फ़िगरेशन को या आपके द्वारा किया गया सेटिंग्स को पहले चेक करेगा, और चेक करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को, या जब वो प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करता है कि अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन कर सकते हैं या बूट कर सकते हैं। उसके बाद ही आपका डिस्प्ले पे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है। अब हमारे पास आ जाती है बात, थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से बताएंगे, जो भी आपको डेफिनेशन दिया गया है उसके अंदर कि आपने कितना समझा है, सिमोस और बायोस में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन सिमोस एंड बायोस। सिमोस एक मेमोरी चिप के साथ साथ हार्डवेयर पार्ट है जो मदरबोर्ड में प्री इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। ये तो सिमोस का हो गया। बायोस का क्या है, बायोस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सीमोस के अंदर इंस्टॉल रहता है, ठीक है। पहला, दूसरा लिख लीजिए और भी डेफिनेशन, सीमोस के अंदर बायोस की पूरी सेटिंग्स, पूरा इंफॉर्मेशन सेव रहता है। बायोस के अंदर कंप्यूटर बूटिंग का प्रोग्राम स्टोर रहता है, ठीक है। अब तीसरा लिखिए सीमोस का, सिमोस में है कि ये चिप होने के कारण, मतलब हार्डवेयर पार्ट्स होने के कारण इसको हम अपडेट या अपग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन बायोस बायोस को हम फ्लैशिंग के जरिए अपडेट या अपग्रेड करते हैं, या बायोस फ्लैशिंग के जरिए अपडेट या अपग्रेड हो जाता है। समझ में आया इसका तीन डेफिनेशन। तो ये आपको आरटीसी सेक्शन के ये तीन जो है अहम पार्ट है, इस तीनों पार्ट को आपको समझना होगा आरटीसी सेक्शन को समझने से पहले।